क्षेत्र में व्याप्त समस्याओं के निदान की मांग को लेकर कपकोट के ग्राम सोराग के ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से मुलाकात की। ग्राम प्रधान सोराग गीता देवी के नेतृत्व में ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में पीएमजीएसवाई के तहत बन रही सड़क का कार्य पूर्ण नहीं हो पा रहा है, साथ ही पुल का निर्माण नहीं होने से भी लोगों को सड़क सुविधा का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ग्रामीणों ने सड़क में सुरक्षा दीवार लगाने तथा भूकटाव रोकने की मांग की। उन्होंने सड़क निर्माण में अनियमितता की भी उच्च स्तरीय जाँच की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी कि उनकी समस्याओं का निदान नहीं किया गया तो क्षेत्र में आंदोलन किया जाएगा। इधर जिलाधिकारी अनुराधा पाल ने जांच करने का आदेश एसडीएम कपकोट को दिया है। डीएम मैडम ने हमें आश्वासन दिया है कि वो एक जांच कमेटी बिठाएंगे इस प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जो भी निर्माण कार्य हो रहे हैं, और उसमें सारे जो भी अनियमितताएँ पाई जाएंगी उसमें जाँच कमेटी गठन करने का हमें आश्वासन दिया है। तो उन्होंने कहा कि 10 दिन के अंदर जो भी है जांच कमेटी गठित की जाएगी और रोड के जो है जो रोड निर्माण के द्वारा हमारे ठेकेदार के द्वारा जो अनियमितताएँ की गई हैं, चाहे वो खेतों की दीवारें हैं या हमारे टूटे हुए रास्ते हैं या पेयजल है या रोड का अलाइनमेंट है, वो ठीक नहीं किया जा रहा है इसे, और हमें आशा है कि जिला महोदया से कि वो हमारे इस कार्य को तुरंत ही कर देंगे। मेरा नाम श्रीमती गीता देवी, मैं ग्राम प्रधान सुराग से। हम पुल के सिलसिले में यहाँ पे मैं आए थे डीएम मैडम के पास। हमें डीएम मैडम ने भी आश्वासन दिया, हमें खुशी भी है। ये काम जल्द से जल्द कराने का कष्ट करेंगी मैडम। और हमें पुल के उससे ज़्यादा यहाँ पे आए थे और रोड के उससे एक साल टेंडर पड़ा चुका है लेकिन काम शुरू नहीं हो रखा है। जैसे कि पुल नहीं बनने की समस्या ये है, रोड नहीं बनने की समस्या, जैसे कि हमारे यहाँ गर्भवतियाँ होते हैं, जैसे कि लोग बाग बीमार होते हैं, हम डोली में लेके 2-3 किलोमीटर हम रोड में पहुंचते हैं, यही समस्या हमारी है। कोई अन्य लोग बीमार होते हैं तो हम डोली में ही लेके आते हैं। गर्भवती जैसे कि प्रसव पीड़ा होता है उससे भी हम स्वास्थ्य केंद्र कपकोट तक डोली में ही लेके वहाँ तक रोड तक डोली में लेके आते हैं, फिर वहाँ तक हम गाड़ी करते हैं बुक, तभी हम स्वास्थ्य केंद्र पहुँच पाते हैं। यही हमारी समस्या है मैम। CGN न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, बागेश्वर।